तेरी सोच ते बांग्लादेश भारत पाकिस्तान जेड़ा वा मतलब खत्म किया जाए बड़ा वधिया संदेश लैके आया कि भाईचारा जिंदाबाद पासपोर्ट की शर्त फ्री करो वीजा पासपोर्ट भी डॉलर की शर्त खत्म करो बाबे नानक दे गुरुद्वारे दे दर्शन दे खुले दर्शन दे दीदार दे खुले दर्शन दी इजाजत दियो पासपोर्ट वीजा खत्म। तुसी देख रहे जी डीप न्यूज मैं मूरज पटी। इस वे आप खड़े हाँ फ्रंट लाइन जीरो लाइन करतारपुर कोरीडोर लांघा जी जिथे कि बड़े चिर तो डेरा बाबा नानक महाराज जी सिंह चौंक दे विच एक धरना लगा दा वा। वो धरना कादा लगा दा वो तुहानू आपां बाद चो दसांगे। उस तो पहला अज मोमबत्तियां दा जगाउण दा वी अज कुछ दिन सीगा। दिन की सीगा साडे नाल इस वेले जुड़ चुके ने डेरा बाबा नानक श्रोमणी कमेटी मैंबर जी जथेदार अमरीत सिंह जी शाहपुर जी। आओ उन्होंने गलबात करते हैं जी। अब मोमबत्तियां आप इसे जगाउण आए हैं करतारपुर कोरीडोर से गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहब के सामने की मकसद से अज का जी। जी वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। मैं भारत पाक बंगलादेश एकीकरण के जो साढ़े को नुमाइंदे आए ने उन्हों का डेरा बाबा नानक जी संगत को धन्यवाद करदा जेडे एक निशाना लैके तुरे ने। ਇਹ ਜੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਦੀ ਇੱਕ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਬਣਿਆ ਜਿਹਦੇ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰੇ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਠੀਕ ਬਦਲਿਆ ਏ ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਆ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਆ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੇ $20 ਦੀ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆ ਇਹ ਜਜ਼ੀਆ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਾਰੀਡੋਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉਸ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਲਗਭਗ 19 ਸਾਲ ਹੱਥੀਂ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰੇ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਸਕੀਏ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜੀ? ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਭਾਰਤ। ਆਪਣਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨਿਟ ਆ ਰਹਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜੀ? देखिए हमारे पास कई ऑर्गेनाइजेशन है। आजादी बचाओ आंदोलन है, सर्व सेवा संघ है, सर्वोदय मंडल है, संयुक्त किसान मोर्चा भारत है, किसान जागृति संगठन है, राष्ट्रीय आमजन ब्रिगेड है और भारत बांग्लादेश पाकिस्तान पीपल फ्रंट है। आज का जो मोमबत्ती अपने जलाई है उसका मकसद क्या था? देखिए हमारी कलकत्ता के अंदर मीटिंग हुआ था भारत बांग्लादेश पाकिस्तान पीपल फोरम का, तो उसके अंदर हमने ये फैसला किया था कि पाकिस्तान बॉर्डर बांग्लादेश बॉर्डर और जितने भी हमारे तमाम बॉर्डर हैं वो बॉर्डर खुलने चाहिए, आपस में भाईचारा होना चाहिए। लेकिन पंजाब का हमारा जन्म होने के नाते, पंजाब के हम रहने के नाते और गुरु परम्परा के हम दास होने के नाते हमने ये कहा कि जिससे पहले भी कुलदीप नैयर साहब ने और बहुत से लोग हैं, राजेंद्र सिंह सच्चर थे हमसे पहले भी, तो ये बॉर्डर फ्री की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर बॉर्डर पर आए तो हमें यहाँ जाने नहीं दिया। ये पिछले 3-4 महीने पहले की बात है तो डेट तो हमें याद नहीं। हमने आगे तो हमने कहा कि यहाँ जो $20 की शर्त लगाई और पासपोर्ट की लगाई इससे गरीब आदमी तो जा नहीं पाएगा क्योंकि हम पासपोर्ट वीजा के लिए बहुत नियम कानून सख्त हैं और गुरु घर दर्शन करने के लिए यहाँ से 4.10 सिर्फ किलोमीटर है, 4 किलोमीटर यानी कि अगर 15 मिनट में जाए तो 1 घंटे में आदमी चला जाता है वहां से। तो कॉरिडोर बनाने के बाद
वो बरामदा बनाने के बाद भी हमारे पर इतनी शर्तें रखी तो गरीब आदमी दर्शन करने से वंचित हो जाएगा। तो हमने ये मन पे सोच करके हमने कहा कि हम इस बॉर्डर के ऊपर वीजा फ्री और $20 फ्री की बात करेंगे, और उसके अंदर और तमाम संगठनों से हमने उनसे सभी से कहा, सबसे रिक्वेस्ट किया, और उसके अंदर गुरमीत भाई भी आए वहां से, बिहार से हमारे बिहार की बेटी है तो शीलम भारती वो भी आई, तो दलजीत कौर पंजाब से है वो आई, अभी गुरविंदर ढिल्लों हैं पंजाब किसान सेल की प्रेसिडेंट हैं वो भी आई, तो और भी किसान आगू बहुत सारे साथी आए हमारे, और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वो मेंबर हैं वो भी हमारे साथ आए, और भी किसान आगू बहुत बड़े आदमी, सभी के नाम लेना उचित नहीं है, तो आप देख रहे हैं तो सभी का सहयोग हो रहा। हमने अभी सिलेक्टेड से आदमी किए थे तो हमने इसको ज्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि शांतिमय तरीके से हम कैंडल मार्च करना चाहते थे, हम कोई बड़ी रैली नहीं करना चाहते, हमारा सिर्फ मकसद एक ही था कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को संदेश जाए, और वो संदेश आप पत्रकारों की कृपा से, आप पत्रकारों के भाइयों की दया से वो संदेश पाकिस्तान गवर्नमेंट को और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को चला जाएगा। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से क्या मांग करेंगे? देखिए, हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हमारी ये प्रार्थना है, नर्म निवेदन है कि सिख समुदाय और सहजदारी जो सिख है, जो गुरु नानक देव के घर के दास हैं, उनको खुले दर्शन की इजाजत के लिए, वीजा फ्री के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट को लिखें, और $20 को जो $20 है जो अंग्रेजों का बनाया हुआ जजिया टैक्स है उसके लिए उनको लिखें कि वो फ्री करें, और वो लिखेंगे, और पाकिस्तान गवर्नमेंट से हमारी यहाँ के एम्बेसडर के थ्रू यहाँ से प्रार्थना है, हमने लेटर भी लिखा है, हमने ट्वीट भी किया है शाहनवाज शरीफ साहब को कि उनको ये कहा है कि हमने कल ट्वीट करके कि आप इसको वीजा फ्री कीजिए और $20 को इसको रद्द करके, इनको शर्तों पर रद्द करके हमें खुले दर्शन दीदार का वो कीजिए, और प्रधानमंत्री मोदी जी को भी कल हमने ट्वीट किया, और मुख्यमंत्री भगवंत मान को हमने गुरदासपुर डीसी के माध्यम से भी लेटर को हमने उचित माध्यम से भेज दिया, और डायरेक्ट भी हमने उसको लेटर को हमने उनको सभी सरकारों को, होम सेक्रेटरी वगैरह को हमने भेज दिया, जिसमें दलजीत कौर वहां देने के लिए गई थी। और अगला हमारा जो प्रोग्राम है गुरु नानक देव जी के जन्मदिन के ऊपर, हम लोग हरमंदिर साहब से पैदल यात्रा शुरू करेंगे, जो पाकिस्तान के गुरुद्वारा तक हम पैदल जाएंगे, और वो हम ये चाहते हैं कि वो हमको या तो गिरफ्तार करें, नहीं तो हम पासपोर्ट और वीजा की शर्तें तोड़ करके हम जाएंगे, और हम वहां दर्शनों के लिए, हमें वो खुले दर्शन की हमारी प्रार्थना है उनसे कि हमें खुले दर्शनों के लिए जो भी हमारे साथ साथी टीम में जाएंगे उनको बिना पासपोर्ट बिना उसके पाकिस्तान गवर्नमेंट और हिंदुस्तान गवर्नमेंट हमारी सुरक्षा, हमारा सारा रहने का इंतजाम और आने जाने का वो प्रबंध दोनों सरकारें करें। इन्हीं के साथ जय हिंद जय भारत। दुनिया दे विच भुख रहे ना, किसे खिते विच दुख रहे ना, सारी दुनिया सुखी वसे, सारी दुनिया सुखी वसे, ते सारे खुशियां मानन, पूरे जग विच वंडांगे बाबे दी सोच दा चानन, पूरे जग विच वंडांगे बाबे दी सोच दा चानन।